डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, अवर कंट्री इंडिया। यानी आज हम चैप्टर 7 जो है भारत अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इंडिया की जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन और साथ में इसके जो है पूरे बाउंड्री सराउंडिंग एरियाज के बारे में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर कंट्री इन इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंसेस, यानी कि भारत के जो भौगोलिक अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। यह उत्तर में हिमालय है, इसके अब मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में देखेंगे प्लेटू एरिया है, पठारी क्षेत्र है। इधर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन का है, यहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट एरिया में तो डेजर्ट एरिया है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरी तरह से जो है भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है। और यहाँ पे दो तरह के महासागर हैं। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट में देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, और साउथ वेस्ट में आपका अरबियन सी है, ठीक है। ये आपके जो है दो जो है सागर आपको दिखाए हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में एकदम श्रीलंका के पास देखेंगे भारत का जो केरला का जो और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है उसके नीचे, तो यहाँ पे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडिया का जो दक्षिण का एरिया है, दक्षिण का क्षेत्र है, वो तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। भारत की अगर देखी जाए टोटल अगर इसकी लंबाई, तो नॉर्थ टू साउथ जो है 3200 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात अगर देखा जाए इसकी जो है टोटल चौड़ाई, तो 2933 किलोमीटर इसकी टोटल ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है। और रही बात जो है यहाँ पे देखेंगे तो भारत में जो है यहाँ पे उत्तर भारत में तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान की तरफ, इस तरह से तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है और आइलैंड ग्रुप है। तो इस तरह से भारत में जो है विभिन्न तरह के जो है टोटल 6 जियोग्राफिक डिवीजन है। फर्स्ट हिमालय, ओके माउंटेन्स, सेकंड प्लेन नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड वेस्टर्न डिजर्ट, फोर्थ प्लेटू पठार, ठीक है, फिफ्थ आइलैंड ग्रुप्स एंड सिक्स्थ कोस्टल एरियाज। तो इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस भारत की स्थिति लोकेशन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and 30 डिग्री नॉर्थ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जो है ये आपका 23 डिग्री एंड नॉर्थ, यहाँ पे ये रहा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, और ये भारत का टोटल 8 राज्यों को टच करता है, गुजरात, गुजरात के बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम, देयर आर टोटल 8 स्टेट्स। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइक इन हाउ मेनी स्टेट्स, तो लिखेंगे आप 8 स्टेट्स जो मैंने आपको नाम बताया। और आप बिल्कुल सेंटर में देखेंगे तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा जिसे कहते हैं, 23 डिग्री एंड हाफ जो है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच जो है भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह ट्रॉपिकल कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कहलाएगा, उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल, और कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है वह ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और इंडिया किस कौन से हेमिस्फीयर में आता है अगर देखा जाए ग्लोब, तो ग्लोब में जो है बिल्कुल इक्वेटर आपके बिल्कुल बीचों बीच है, और इसके ऊपर का जो एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाइक इन विच हेमिस्फीयर, तो हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 degree 4 नॉर्थ एंड 37 degree 6 नॉर्थ, ये भारत की जो है अक्षांश और देशांतर की जो है क्षेत्रफल बताया गया है। और इट एक्सटेंड बिटवीन 68 degree 7 ईस्ट टू 97 degree 25 लॉन्गिट्यूड, यानी कि इसके जो है देशांतर और अक्षांश का जो क्षेत्रफल बताया गया कि इसके बीच भारत की स्थिति है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम कह सकते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 degree 30 ईस्ट है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसी के अनुसार भारत के समय का आंकलन यहाँ के क्षेत्रफल में और यहाँ समय का आंकलन किया जाता है जो ग्रीनविच से लिया गया है, ठीक है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर होता है, यानी कि
अरुणाचल प्रदेश आपका ये रहा और गुजरात आपका जो है ये रहा, तो दोनों के बीच में जो है 30 डिग्री जो है आपका जो है डिफरेंसेस है। तो सनराइज को एक डिग्री क्रॉस करने के लिए एक डिग्री जो है आपका जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने बताया है, तो सनराइज को एक डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने के लिए उसको जो है 4 मिनट लगते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस है 30, तो 30 × 4 कहेंगे तो 120 मिनट, यानी 120 मिनट मीन्स 2 आवर। इसी कारण से जब यहाँ पे सूर्योदय होता है तो 2 घंटे बाद जो है सूर्योदय गुजरात में होता है, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है क्योंकि सूर्य की जो रेज है यानी कि किरणें हैं वह 2 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है और सनराइज को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए कितना हो जाएगा, तो 30 × 4 = 120 मिनट मीन्स 2 आवर। इस तरह के क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। भारत के पड़ोसी राज्य सॉरी पड़ोसी देश देखा जाए तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान है, वेस्टर्न एरिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान, अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो नेपाल हो गया भूटान हो गया, इसके बाद में जो है चाइना का जो कुछ क्षेत्र है हमारे देश से छटा हुआ है, इसी तरह से जो है आपका बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, ये भारत का जो है 7 पड़ोसी जो है देश है, ठीक है। और इंडिया को एक साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, दक्षिण भारतीय जो है उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें भारत के अलावा अन्य देश भी हैं। भारत में इसमें देखा जाए करंट में तो एनसीईआरटी की बुक है हमारे हाथ में और लेटेस्ट बुक है, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। करंट डाटा ये है कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन आवर कंट्री। भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अन्य जो है अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, तो टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और 28 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी 9 लिखते हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स जो है 29 लिख देते हैं, पुरानी बुक में भी यही प्रिंटेड है, लेकिन आपको ये बिल्कुल अलर्ट रहना है, बिल्कुल जो है जागरूक रहना है कि हाँ इस समय करेंट में प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए अगस्त 2020 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 25 अगस्त 2020 इस समय प्रेजेंट टाइम में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, अब आते हैं हम इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अगर देखा जाए इंडिया का तो बहुत ही ज्यादा विशाल है। भारत जो है अगर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय है और हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। सबसे ऊपर जो है ग्रेट हिमालय जिसे जो है हम हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय कहते हैं, उसके नीचे आ जाएंगे तो ये आपका शिवालिक रेंजेस है। तो शिवालिक यानी कि नेपाल से सटा हुआ यूपी बिहार, यूपी का एरिया, कुछ उत्तराखंड का एरिया और सिक्किम का, ये सब शिवालिक रेंजेस में आएंगे। ग्रेट हिमालय में आएगा जम्मू कश्मीर आपका आ जाएगा, हिमाचल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी बड़ी माउंट एवरेस्ट और नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, काराकोरम, इस तरह की जो है पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। मिडिल हिमालय जो है इसमें आपके नैनीताल, मैसूर, दार्जिलिंग, इस तरह से मिडिल हिमालय क्षेत्र में आपको ये आपके क्षेत्र मिल जाएंगे, ठीक है, वैली मिल जाएगी, घाटियां मिल जाएंगी। तो भारत का ये जो है भौगोलिक क्षेत्रफल था। और अगर देखा जाए फिजिकल स्ट्रक्चर में जो है तो हिमालय के बाद नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है और राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, ये सब नॉर्दर्न प्लेन कहलाएंगे। ये उत्तर भारत के जो है मैदानी क्षेत्र कहलाएंगे, जहाँ पे बेस्ट टाइप की यानी अच्छी क्वालिटी की जो है सॉइल एंड मिट्टी मिलती है जो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। अब आते हैं हम नीचे जो है प्लेटू एरिया में, यानी कि दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, यानी कि ये पठारी क्षेत्र पेनिनसुलर प्लेटू कहलाएगा। ये देखा जाए तो ट्रायंगल शेप का है, आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल शेप का है यानी कि त्रिभुज आकार का, और यहाँ पे विंध्य और सतपुरा की जो है पर्वत श्रेणियां यहाँ पे देखने को मिलती है। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जो है दो ही नदियां हैं दक्षिण भारत की जो अरबीय
मेहता और तापी जो है गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए ये अरबी सी में जाके मिल जाती है। ओनली टू रिवर्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेम द एनी टू रिवर्स विच ड्रेन इनटू अरबी सी, तो हम जब लिखेंगे नर्मदा एंड तापी, ओनली टू रिवर्स, ठीक है। बाकी जितनी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सब कहां गिरेंगी, वो सब जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, बस दो ही नदियां छोड़ के नर्मदा एंड तापी। और देखा जाए तो ये आपका जो है वेस्टर्न घाट कहलाएगा, सॉरी ये आपका ईस्टर्न घाट कहलाएगा जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है, और ये आपका जो है वेस्टर्न घाट कहलाएगा। ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल में है और यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार जो है द्वीप मिलेंगे, यानी कि जो आइलैंड है, और अरबी सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप को एक कोरल आइलैंड कहते हैं, कोरल आइलैंड मतलब कि ये जो है ये एक शैवाल से और हड्डियों से बना हुआ है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए इसको हम कोरल आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। यहाँ ट्राइबल ग्रुप्स की संख्या, जनजाति क्षेत्रों की में जो है जनजाति लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर जो मालाबार हिल्स कहलाएगा और ये आपका कोरोमंडल कहलाएगा, मालाबार और कोरोमंडल, ये आपका जो है वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, मालाबार और कोरोमंडल, कोरोमंडल आपका जो है क्षेत्र में आ जाएगा। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार नदियां हैं, ये दक्षिण भारत की चार नदियां कहाँ निकलेगी, ये कहाँ निकलेगी, ये दक्षिण भारत की सभी नदियां जो है आगे चलकर जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा कृष्णा नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है, और द ओल्डेस्ट गंगा, तो ओल्डेस्ट गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो उसमें हम गोदावरी को कहेंगे, गोदावरी को भारत दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से यानी कि कहा जाता है, और कावेरी को जो है हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है इसकी अन्य नदियों की तुलना में इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वाटर की बहुत ही ज्यादा है। तो ये था इंडिया का जो है पॉलिटिकल और फिजिकल। अब आते हैं लक्षद्वीप और अंडमान का हमने बता दिया निकोबार में, और ये कहाँ कहाँ है इसका लोकेशन बता दिए, ये आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये आपका जो है भारत के दक्षिण भारत में है दोनों, लक्षद्वीप जो है आपका जो है अरबी सी में है और अंडमान निकोबार जो है आपका बे ऑफ बंगाल के पास में है। थैंक यू वेरी मच।